रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंटरेस्ट हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना ज़रूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फ़र्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। तो मैं तहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आप, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा, पूछ रहा हूँ। क्योंकि जी नहीं, एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी थे, डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ। तो हक के बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, फ़राइज़ बहुत कम है इस्लाम में, फ़राइज़ और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज़ फ़र्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन, बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फ़र्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई हैं लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फ़र्ज है। लोग को ये गलत फहमी है क्या मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाज़त है, इजाज़त वेद में भी है, इजाज़त कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्ट लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हान तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। धन्यवाद। आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अगला सवाल माइक नंबर 2 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। डॉक्टर साहब को मेरा एवं सभी मोमिनों को मेरा सत सत नमन। पीने का क्या मजा है जो छुप छुप के पी गई, इस्लाम नाम जाम की है इसे सबको दिखा के पी। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। पीते हैं लोग अक्सर बोतल की ये शराब, हबसों की आग को दिल से बुझा के पी। इसीलिए मैं आपके प्यार में और आपके प्यार ने कहीं हमारी जन्मभूमि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंहसराय प्रखंड में एक छोटा सा पार पंचायत है,
उस पंचायत का मैं निवासी, मेरा नाम जानकी दास। उतना दूरी से खींच लाया, धन है यह किशनगंज की धरती और मैं अपने मर्जी से सच्चे मन से इस्लाम धर्म कबूल करूंगा। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके चुपके ने डंकी की चोट पे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको ज़रा टर्न करूँगा। कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगे, लेकिन वो दुनिया के जैसी शराब नहीं रहेंगी, वो शराब में नशा नहीं रहेगा। आप वैसी शराब अगर खुल के पियेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्बहु व रसूलुहु व सरूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके जरिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूँ? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूँ, जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला, हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। जो भी इंसान हक को जानने के लिए और हक को पाने के लिए जुरत व हिम्मत से काम ले, यकीनन वो इंसान काबिले मुबारकबाद है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चलते हैं माइक नंबर 4 पर। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम खातून, गैर मुसलमान बहन हैं, वो सवाल करना चाहती हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं माइक नंबर 4 से। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखा देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि वो उसे उसका कर्मों का फल मिला है, लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला, क्योंकि उसको अभी अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है? बहन का सवाल है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है, अगर 1-2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है, फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली ज़िंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में, उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर् मतलब नेक्स्ट अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ,
लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काई की सजा मिली, इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आया जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, बर्थ एंड रिबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का और इंसान बनेंगे 7 बार, बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़ बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है, ये संस्कारा है जो वेद में कहा ने लिखा है, ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा, इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर् मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे, तो 2 साल का बच्चा मर गया उसकी क्या गलती थी, तो ये लोग सोच नहीं पाए। लेकिन इसका जवाब कुरान में है, क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की क्या नहीं की उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं, और अल्लाह सुबहाना व ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या नहीं, बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया। किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए 2.5%, अपने निसाब से ज्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा पैसा है 2.5% उसको हर साल हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो जकात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, जकात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछताछ ज्यादा होंगी, साहबा थे अल्लाह के रसूल के करीब थे फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई, अल्लाह ने पैसे दिए क्या क्या उसका तुमने, आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियां बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजनाइटल हार्ट डिजीज,
दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान क्या आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे है तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र क्या? कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने घरेबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की, जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालदेन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पर यकीन रखते क्या नहीं। तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर, उसका इम्तिहान खत्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है, बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको जहन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीशन खुद ले सकते हैं। फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुबहाना व ताला खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हजारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना, अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे। आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसी ने नहीं कहा। वो था एक जाकिर आदमी जो था मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया। अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा। तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा आपको मौका देता हूं भाई पूछने के लिए, आप पूछ सकते। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फजक्र नमंत मुजक्र, अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से, चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फजक्र नमंत मुजक्र, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में।
तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालदेन के लिए, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। खूब ध्यान से क्वेश्चन।